तंग कर रहे हो? घर में कोई नहीं है? वक्तों को सबक सिखाऊंगी। ये शरीर हर दूसरे दिन आ जाते, गरक ही नहीं होते। ना तो इनको इंसानों का डर है, ना खुदा का खौफ। रुको, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। अरे कोई सुनो, हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। अकरम, तुम किचन में बर्तन साफ करो। कौन हो तुम? जमशेद, हम मिलके यहाँ सफाई करते हैं। चुप हो जाएं, हम आपकी मदद करने आए हैं। अच्छा, अब तुमको भेज दिया है? हाँ हाँ, हम आपका ख्याल रखेंगे। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ। तुम लोग लालची लोग हो, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। नेता, आंटी को अंदर लेके जाओ, जल्दी से तैयार कर दो। कैसे आई थी? सही ना? आई आराम से बैठे, मैं ही बताती हूँ। आई तो तू ही बैठी हूँ, आराम से। देखो आंटी जी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। किसी की नजर ना लगे, जवानी में तो आंटी जी। अरे यार, फिर शुरू हो गए। अरे यार, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, अब तो कुछ खाने के लिए मंगवा लो। उफ, खाना? यार मैं अपने लिए नहीं, मैं आंटी के लिए कह रहा हूँ। यार मैं सीरियस हूँ, आंटी के लिए कुछ मंगवा लो, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा यार। आंटी, क्या आप शुरू से ऐसी ही रह रही हैं? लो, अब ये शुरू हो गई अपनी हिस्ट्री लेने। तो क्या हुआ, हमें उनके बारे में कुछ जानना तो होगा ना? मेरे ख्याल से अब आंटी जी को हम बिल्कुल भी तंग ना करें। तुम लोग समझ तो गए होगे, बड़े ही मुश्किल हालात से गुजरी हैं। तो बस कोई मजीद सवाल ना पूछें इनसे। नहीं बेटा, मैं बताती हूँ, मैं अपने खानदान में निहायत ही मुकम्मल तौर पर मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। आस, उम्मीद, हंसी, खुशी से जिंदगी गुजर रही थी। Thank you.
करे खुदा। बच्चों पापा आ गए हैं। आज कुछ ज्यादा ही ताखीर नहीं हो गई? हाँ, वो एक क्लाइंट से मिलना था, उसी के चक्करों में टाइम लग गया। अरे बेटा रहने दिया करो, मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं पापा, मुझे अच्छा लगता, और जो मैं हर रोज कहता हूँ आज भी वही कहूँ कि मुझे आपके पांव छूकर बहुत सुकून मिलता। मेरा बेटा, अच्छा मुझे बताओ वो जो आपके दोस्त जो हैं वो? नहीं पापा, जब से आपने मुझे समझाया ना तब से मैं उनसे दूर ही से सलाम दुआ करता हूँ। शाबाश। पापा गुड इवनिंग, पानी पी ले। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। खैर है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं वो जो फॉरेन डेलीगेशन की टीम आई हुई थी कैसा रहा उनका विजिट? यस पापा, वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल फार्मा की टीम थी। क्या बताओ, सारे ग्रुप में से हमारे प्रोफेसर ने मुझे लीड करने को कहा। मैंने भी खुदा की फजल से इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि पापा ना सिर्फ बाहर से आने वाले प्रोफेसर बल्कि मेरे क्लास फेलोज ने भी इतनी तारीफ की कि बस। पापा ये सब आपकी बदौलत है। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी देखना चाहता हूँ। बस चंद ही सालों की तो बात है, बेफिक्र होके अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दो। पापा आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपके ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगी। एक्सेलेंट। हाँ हाँ ठीक है यार, चलें ठीक है, चलो ठीक है, हो जाएगा। सॉरी पापा, एक जरूरी कॉल थी। दैट्स ओके। अरे शगुफ्ता बेगम, क्यों करती हो रोज ये ऐसे? एक है जो रोज मेरे आके जूते उतारते हैं, और एक आप जो रोज आके गर्म पानी लाके रख देती हो। तुम दोनों मेरी बात नहीं मानते हो। बस बस रहने दे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे भाई कहाँ रख दिया? क्या हो पापा, क्या खो गया? कहीं मैंने वहां तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, ये ले आया, कहाँ रह गया? क्या किसी ने मेरी पॉकेट तो नहीं मार दी? या खुदाया शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये लो बेटा, ये 95,000 है, इसमें 15,000 कम है, वो भी मिल ही जाएंगे। सॉरी पापा, मेरी पढ़ाई पर बहुत रकम लग रही है, आप मुझे पार्ट टाइम जॉब भी तो नहीं करने देते? मामा आप ही कहें पापा से मुझे कहीं जॉब करने दे। कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, फिकर किस बात की है भाई? दो नौकरियां करता हूं और बीच में काम भी आ जाता है। तुम्हारा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा है, अच्छे पोजीशन से पास हो जाओ फिर देखो लोग क्या बोलेंगे कि आरिफ साहब तो मशीनें ठीक करते थे और उनका बेटा इंजीनियर है। भाई क्या तरक्की हुई है। पापा मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। अरे पांव अभी तक वैसे ही है, डिप नहीं किए, देखा ना
मेरे बगैर कुछ नहीं होता। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई कौन है? आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कौन था। लो फिर से आ रहा है। हेलो हेलो, अरसा बोल रहे हो? जी जी सर, मैं ही हूं। वो पहले आवाज नहीं आ रही थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आरिफ साहब मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि देखें, मेरी फैक्ट्री की एक ख़ास मशीन है जो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी हुई है और मुझे इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम नहीं मालूम उसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी ने मुझे आपका बताया था तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करके चेक कर लूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं। जी सर। अच्छा, लेकिन देखो आप पहले सोच लें, क्योंकि मैंने आपसे पहले दो चार मैकेनिकों से रब्ता किया था लेकिन उनसे मेरी बात नहीं बनी। बस सर क्या कहूँ, दूसरे अपनी जगह, उनका अपना काम, अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, किसी ने मुझसे जिक्र जरूर किया था कि आपकी जेट टैंक मशीन काम नहीं कर रही है। सर मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी मशीनों को मैंने हाथ लगाया तो चलेगी ना, मशीन काम करेगी ना। जी जी सर बिल्कुल, वो कहते हैं ना दौड़ेगी। बस वेरी गुड, मैं यही चाहता हूँ कि मशीन हमारी A1 चले। तो अब आप बताइए कि आप जुर्माना क्या लेंगे और कब आओ। मैं आपके पास कल ही आ जाता हूँ, और चूंकि आपके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ तो मैं आपसे 3.5 लाख ले लूँगा। क्या कह रहे हो आरिफ साहब, 3.5 लाख? कुछ जरा हल्का हाथ रखें यार, तो आप दूसरों से कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। सर वो ठीक भी तो नहीं कर पा रहे, और मुझे ईमान के हद तक यकीन है कि मैं आपकी मशीनों को ठीक कर लूंगा और फिर उसके बाद आप करोड़ों में भी तो कमाएंगे। अच्छा ऐसा है, चले ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। ठीक है फिर आप आ जाएं, प्लीज कल ही आ जाएं। ओके सर। पता है आपको इतना सख्त काम करते देखकर मेरा दिल निहायत कुर्ता और रंजीदा होता है। वो मेरी सहेली फरा बता रही थी कि यहाँ करीबी एक फैमिली है, घर के काम करने के लिए किसी को तलाश कर रही है। तो मैं सोच रही थी मेहनत में तो कोई कबाहत नहीं, अगर आप इजाज़त दे दें तो घर के अखराजात और बच्चों की फीस में आपकी मदद हो जाएगी। अरे शगुफ्ता बेगम, मेरे होते हुए आपको काम करने की कतई जरूरत नहीं है, अभी तो काम चल रहा है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हालात बेहतर हो जाएंगे। देखती नहीं हो, तुम्हारे सामने घर बैठे हुए नौकरी के अलावा काम मिल जाता है। तुम भी शुक्र बसर करने वाली हो, जरूरत की हर चीज मौजूद है। खबरदार, आज के बाद तुमने काम करने की बात की, बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे अच्छा वक्त है। जी जी
ये बताएं आपने क्यों कॉल की है? जी हाँ, यही मेरे शौहर का नाम है। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी हाँ, फोटो सेंड कर दे जी। अमरीन, मेरी बच्ची, वो तुम घर आ जाओ। वो पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो मैं अकेली हूँ। बच्चों, पापा के जाने के बाद हम जिन कैफियतों से गुजर रहे हैं, उन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनका इजहार करना और उन्हें जबान देना बहुत मुश्किल है। हम शदीद बेयकीनी का शिकार हैं। इन दिनों हम अपने आप को मुजरिम समझने लगे हैं और सोचते रहते हैं कि हम उनसे और क्या कह सकते थे।
और मजीद उनके लिए क्या कर सकते थे? हम अपने आप को कसूरवार भी ठहराने लगे हैं। मौत पर किसी का इख्तियार नहीं, हम में उदासी और डिप्रेशन की कैफियत नुमाया है। पापा के खो जाने का एहसास कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि आपके पापा हमें याद ना आए। लेकिन बच्चों, अब हमें जल्द से जल्द अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाना चाहिए। मैं काम करूंगी और तुम सब अपनी पढ़ाई जारी रखो और खूब आगे बढ़ो और अपने पापा के ख्वाबों को पूरा करो। नहीं मामा, आप हरगिज काम नहीं करेंगी। मेरी इंजीनियरिंग का आखिरी साल है, मैंने बहुत पढ़ लिया और बहुत जल्द मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मैं घर भी चला लूंगा और ये भी अपनी तालीम जारी रखेंगे। नहीं बड़े भाई, मामा ये नहीं, मैं काम करूंगी। मेरा एक कलीग है, उनकी एक मशहूर फार्मास्यूटिकल स्टोर की चेन है। डी फार्मा की तालिब होते हुए मुझे बासानी से काम। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या बात है। ये सच है कि अब हमें अपनी जिंदगियों को जीना और उसके लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मामा, आप काम करने का सोचिएगा भी नहीं। और भाईजान और मामा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें भूखा ही सोना क्यों ना पड़े, मौत की क्यों ना नौबत आ पड़े। लेकिन अमरीन काम नहीं करेगी मामा, अमरीन काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी। बच्चों, तुम सबको सुनकर मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ है। तुम सब में सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियत मौजूद है। अगर तुम इन सलाहियतों को बरवक्त और सही मायनों में इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी के फैसलों में कामयाब होगे। बस ज्यादा से ज्यादा इज्जत और एहतराम, मोहब्बत और चाहत से जिंदगी गुजारने के बारे में सोचोगे तो यकीनन जिंदगी गुजारने के गुर भी सीख जाओगे। एक और असूल याद रखो, जो आसान है वो पहले करो। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपनी अपनी मंजिल पाओ और पापा के नाम को बुलंद मकाम दिलवाना है। नहीं मामा, कह दिया ना, आप काम नहीं करेंगी। नहीं नहीं मामा। हाँ मामा, आप काम नहीं करेंगे, हम है ना। मैंने कह दिया ना, मैं घर भी चला लूंगा और ये अपनी तालीम भी जारी रखेंगे। मामा मैं काम कर नहीं, नहीं तुम्हें मना किया है ना, भाई के साथ मैं भी काम करूंगा, जॉब मैं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो, तुम्हारे पापा और तुम भी अक्सर ये जिक्र करते हो कि बाहर की दुनिया कैसी है, कैसे तजर्बात होते हैं। खुदा का शुक्र है मैं कदरे तालीम याफ्ता हूँ और हुनरमंद भी हूँ। सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, सफाई सुथराई, सभी कुछ तो कर लेती हूँ, मेरे जैसा कौन कर सकता है। अब वक्त और हालात की मुनासिबत से मुझे ही काम करना चाहिए, किसी की मोहताजी भी नहीं होगी। जो काम यहाँ करती हूँ वो किसी और के घर में कर लूंगी।
कोई मुश्किल ही नहीं है, बल्कि मुश्किलात का हल निकल आएगा। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा। नहीं मामा, जो मुश्किलों से भागते हैं वो बुलंदियों के सफर नहीं कर पाते। चलो एक मुआहिदा कर लेते हैं, मुझे चंद माह काम करने दो, अगर सब कुछ ठीक मैनेज हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं छोड़ दूंगी। मामा अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, दिल पर पत्थर रख लेते हैं। थैंक यू बच्चों, अब मैं अपनी सहेली से बात कर लूंगी। शगुफ्ता की कॉल। अरे मैंने तो उसके तरफ जाना था उसके साथ ताज़ियत करने के लिए। हेलो। हेलो फरा, सबसे पहले तो ना आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी तरफ आना था ताज़ियत के लिए, बट इतनी बिजी हूँ ना तो आ नहीं सकी, रियली सॉरी यार। अच्छा बताओ कैसे फ़ोन किया, सब कुछ खैरियत तो है? हाँ वो तुमने जिक्र किया था ना कि किसी ख़ानदान को काम करने के लिए किसी की तलाश है। हाँ हाँ काम के लिए ना, दो दिन पहले मैंने बात की थी, इनफैक्ट मेरे पास एक और जगह है, उनको भी कोई अच्छी काम वाले की ज़रूरत है। बस बस बहुत अच्छे, दोनों को फाइनल कर दो। तुम करोगी? अब तुम मुझे तो जानती ही हो और मेरे हालात के बारे में भी तुम्हें इल्म है। मैं उनसे पूछ के फिर तुमको बताती हूँ। तुम खुद ही दोनों से वक्त और तनख्वाह फाइनल कर दो। अच्छा और सुनो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तुम्हें मुझे ज़रूर कॉल करना। चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा। आ जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, पानी तो पी लो, कहो तो चाय ला दूं। नहीं नहीं बेगम साहिबा, बहुत बहुत इधर बैठ जाओ। शुक्रिया, आप कह ही देती हैं तो दिल शादमान हो जाता है, वैसे भी अपना ही घर लगता है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अगर आप कहें कुछ और करना है तो करके चली जाती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चली जाना। नहीं बेगम साहिबा, अब मैं चलती हूँ, वो दूसरे घर भी जाना है ना। अच्छा खुश रहो, अपना ख्याल रखना। जी बेहतर।
अरे तुम अब आई हो, बस तुम्हारा यही काम है। नहीं बेगम साहिबा, वो क्या बेगम साहिबा, फिर वही हर रोज कहती हूँ। सॉरी वो मैडम जी। बस याद कुछ रहता नहीं है, जाओ और मेरे लिए बेहतरीन नाश्ता तैयार करो। जी बेगम, मैडम जी। हाँ बोलो बेगम साहिबा। मैडम जी वो नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है, सुनो जी, मेरे रूम की सफाई करना और मेरे कपड़े अच्छे से प्रेस करना। तुम जरा अच्छे कपड़े प्रेस नहीं करती हो। और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई करना, गार्डन को पानी देना मत भूलना, सूखा पड़ा है मेरा गार्डन। कहाँ चल दी? जी मेरी बात जी, अभी मुकम्मल नहीं हुई। जी लंच के साथ डिनर भी तैयार कर लेना और ये सब काम अच्छे से करना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। नाश्ते के बाद मैं आराम करूंगी और हो सकता है सो भी जाऊं। जी जाओ। कहो बेगम साहिबा। मैडम जी अमरीन। जी मामा। बेटा वो मैंने कुछ पैसे वहां रखे थे, मिल नहीं रहे और घर का कुछ सामान भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया? नहीं मामा। हाँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो, क्या बात है? वो चले रहने दे। नहीं बताओ क्या बात है। वो मामा, आप जरा छोटे भाई पर नजर रखिए। क्यों खैरियत, क्या हुआ? मुझे महसूस होता है कि भाई ने अपने उन दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है जिनके बारे में पापा उन्हें मना करते थे। अमरीन क्या ये सच है? हाय मैं मरी। गुड इवनिंग मामा। क्या हो मामा, आप इतनी उदास और आंखों में आंसू? अमरीन तुम ही बताओ। वो मैं अमरीन से पूछ रही थी कि घर का कुछ सामान नजर नहीं आ रहा और कुछ रकम भी रखी थी वो भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं। भाई मैं मामा से कह रही थी कि हमें छोटे भाई और उनके मसरूफियात और रोजमर्रा कामों के बारे में जानना चाहिए। वो बेटा अमरीन को शक हो रहा है कि दानिश उन लड़कों के साथ दोबारा दोस्ती कर बैठा है जिससे उसके पापा उसे रोकते थे। मैंने भी कई दफा नोट किया है कि वो कमजोर होता जा रहा है और कभी कभार तो अपने हवास में भी नहीं होता। मामा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे इजाजत दें, मैं उससे बात करता हूँ। इसके साथ कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। आपको तो इल्म है
कि वो लड़के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और ये आदत बहुत सारे खतरात को जन्म देगी। मामा, ये मेरा बेटा दानिश, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? नहीं मामा, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन आप सब बैठ के मेरे बारे में क्या बातें कर रहे? हमने सुना है कि तू अपने उन दोस्तों के साथ बैठता है जो गलत राह पर हैं। क्या ये सच है? जल्दी बताओ मुझे। बस बस दानिश, तुम मुझे बताओ इस बात में कितनी हकीकत है। मामा ऐसी कोई बात नहीं, किसने आपसे बताए मुझे? पहले तो तुम कभी झूठ नहीं बोलते थे, तुम्हारी हालत सब बयान कर रही है, सच बता दे बेटा। पापा मेरे जहन से नहीं हट रहे, मैंने बहुत कोशिश की भूलने की, मुझे उनका बहुत सदमा है। बस बस एक रोज मैं अपने दोस्तों के सामने से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और मुझसे कहने लगे कि कब तक गम करोगे, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, गम करना भूल जाओ, चलो हमारे साथ। मैं उनके साथ चला गया और मामा अब हर रोज जी करता वहां जाने का। हाय मैं मर गई। बेटा बेटा मुझसे वादा कर, अब तू आइंदा वहां नहीं जाएगा। मामा मैंने कहा ना आप मुझे इजाजत दें, कम से कम इसको तो मैं ठीक कर ही लूंगा। और मामा इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि आपको अब घर रहना चाहिए, मुझसे आपका एक घर से दूसरे घर जाना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे इजाजत दें कि मैं मुल्क से बाहर जाके काम कर सकूं। मेरे दोस्त कहते हैं कि वो एजेंट बहुत तजर्बेकार है, वो यूरोप पहुंचाता ही नहीं बल्कि वहां पर अच्छी जॉब भी दिलवाता है। प्लीज मामा मुझे इजाजत दे दें। नहीं मेरे बेटे नहीं, मैंने कई बार सुना है ये बहुत ही खतरनाक खेल है, तुम कहीं नहीं जा रहे। प्लीज मामा हमारे हालात बदल जाएंगे, वहां मेहनत का जायज अजर मिलता है, माली तौर पर हमारे घर में इस्तेकाम आ जाएगा, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मामा प्लीज इजाजत दे दें। हाँ जो रकम जमा करवानी है वो बेशक ज्यादा है पर मुझे यकीन है कि आप कर लेंगे। बस एक ग्रुप जाने वाला है, वो आपकी सहेली है ना, आंटी फौजिया, आप उनसे पूछ लें, उनका भी बेटा जा रहा है। मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही। बच्चों तुम अपनी राय दो। मामा मुझे भी डर ही लग रहा है, आए दिन मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आती रहती है जिनमें भयानक वाकयात पेश करते हैं। जो लोग वहाँ पे भी जाते हैं अक्सर यही बोलते हैं कि अपने वतन में रहकर मेहनत और मशक्कत करें। हाँ ठीक है मामा, भाई कह रहे हैं कि वहाँ अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, तो जाने दे मामा, मुझ पर भी काफी कर्ज चढ़ चुका है, भाई रकम भेजेंगे तुम मेरा भी काम चलता रहेगा। देखे मामा हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो बिरुने मुल्क गए, आज उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल है। प्लीज मामा मुझे जाने दें। चलो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं भी और तुम भी सोचो।
शगुफ्ता, आ जाओ कुछ देर आराम कर लो, मैंने चाय बना ली है, पी लो ठंडी हो जाएगी। जी बेगम साहिबा, अभी आई। घर पर सब ठीक ठाक है ना? बस बेगम साहिबा, क्या बताऊं, यूं लगता है हार गई हूं। वो छोटा बेटा अपने दोस्तों के हाथ चढ़ गया है और बेरा रवि का शिकार हो रहा है। बड़ा बेटा कह रहा है कि उसे बाहर जाना है, और वो अमरीन मेरी बेटी दिन रात कहती है कोई बात करनी है, पर कहते कहते रुक जाती है। इन सब की फीसें देना आपको तो मालूम है ना कितना दुश्वार है। बड़े बेटे को बाहर भेजने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। वो कहता है अब मैं काम ना करूं और ज्यादा टाइम घर में गुजारूं। बेगम साहिबा, आप बताएं मैं क्या करूं? अरे बड़ी मुश्किल है, जो बेटा गलत रास्ते पे चल पड़ा है उसे सही रास्ते पे लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बाहर जाना चाहता है वो तो तुम्हारा भला ही चाहता है। पर तुम जानती हो ना, ये यूरोप ले जाकर इतने धोखे हो रहे हैं, कई लोग जान से भी जाते हैं। दूसरी तरफ अगर तुम उसकी बात नहीं मानती हो तो वो बेदिल हो जाएगा, जाने क्या करे। और हाँ, अमरीन को अपने एतमाद में लो, उसे पता करो वो क्या बात करना चाहती है। मुझे तो कोई बड़ी बात लग रही है। सच तो ये है इन हालात में फैसला करना मुश्किल है। मैं किसी को खोना नहीं चाहती, क्या करूं? रिस्क ले लूं, भेज दूं अपने बड़े बेटे को बाहर, लेकिन फिर एजेंट को भी तो बड़ी भारी रकम देनी पड़ेगी। अच्छा मैं अभी आती हूँ। ये लो रख लो। हे बेगम साहिबा, इतने ज्यादा पैसे? कोई बात नहीं, ये मेरे ही पैसे हैं, मैं जमा करती रहती हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। बेगम साहिबा, आप मेरी हर दफा मदद करती हैं, आपके इस रवैये से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। अगर आप ना होती तो न जाने। अच्छा कोई बात नहीं, चुप करो। अच्छा ये बताओ, वो दूसरे घर वाले कैसे हैं? उनका रवैया तुम्हारे साथ किस तरह है? कोई मदद वदद करते हैं तुम्हारी? हाँ बेगम साहिबा, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं और मदद भी कर देते हैं। आ गई हो? हाँ हाँ, कहो कहो बेगम साहिबा। टाइम देखा है, आधे घंटे से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी से कॉफी के लिए पानी रख और आके मेरे पांव दबा, कल रात पार्टी में बहुत थक गई हूँ। जी मैडम जी।
आपके ऐसे पैर दबाऊंगी आपको सुकून आ जाएगा। अच्छा आज रात हमारे घर पे पार्टी है और सारा काम तुम ही ने करना है। और खबरदार हर मर्तबा की तरह ये मत कहती रहना मैं जाऊं देर हो जाएगी। चलो रिक्शे का किराया भी दे दूंगी। समझ आ गई? चल हट इतनी देर कर दी। मैडम जी अब मैं जाऊं? मैंने कहा था ना जाऊं की रट मत लगाना। वो मैडम जी आप खुद ही देख लें टाइम हो गया है बहुत, बच्चे अकेले हैं घर में, बहुत ही देर हो गई है। तो क्या करूं मैं तुम्हारा, जब भी घर पे पार्टी रखती हो तुम यही करती हो, मेरे बच्चे मेरा घर, क्या करूं मैं तुम्हारा। ठीक है सुबह भी टाइम से आ जाना, सारा काम तुम ही ने करना है। जी जी मैं सब कर लूंगी। और मैंने कहा था ना रिक्शे का किराया दे दूंगी, अब तुम इतनी जल्दी में हो तो वो भी सुबह ही ले लेना। जी कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं। दानिश क्या है इसमें और ये कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ जा रहा है? दिखा। दिखा मुझे। छोड़ दो। इसमें है क्या? लादे में रखता हूँ उसे। इसमें क्या है? भाई, मान जाओ, please, मत लेकर जाओ ये सब सामान। दानिश, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सामान वापस रख दो। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हंगामा कर रहे हो? मामा, दानिश ने सारा सामान जमा कर लिया है और कहता है मैं बेचने जा रहा हूँ और हम दोनों इसे रोक रहे हैं। मामा मुझे जाना है, सॉरी, अब कोई मुझे पैसे नहीं देता। मामा मुझे पैसे दो, मुझे जाना है। बेटा तुझे मालूम भी है तू क्या कर रहा है? ना कर ऐसे बेटा, ना कर। मामा मुझे पैसे दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे पैसे चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे पैसे दो। ना कर। मुझे पैसे चाहिए। ना कर। छोड़ो मुझे, पैसे दो मुझे पैसे दे। मैं तुझे मुझे पैसे दो। ये पकड़ पैसे, निकल जा यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ हाँ मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अम्मा बेटा, अम्मा मुझे मालूम है हमारी तरह आप भी बहुत अफसरदा हैं, वैसे ये बात कहने को दिल नहीं कर रहा
लेकिन क्या करूं? कहो बेटा, क्या बात है? वो एजेंट को पैसे देने थे। अमरीन, अमरीन, बेटा वो जहाँ मेरी ज्वेलरी पड़ी है ना, वहाँ कुछ रकम भी रखी है, दोनों यहाँ ले आओ। बेटा मेरे पास तो अब यही है। थैंक यू मामा। मामा, दानिश भाई चला गया है, हो सकता है वो लौट आए। जीशान भाई भी चला जाएगा, बस फिर हम ही रह जाएंगे। वो मामा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ तो हो, क्या कहना चाहती हो? अक्सर कहती हो बात करनी है लेकिन करती नहीं हो, आज तुम भी कह ही दो। मामा, वो मेरा एक कलीग है, वो आप के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है। जब भी मैं उन्हें घर के हालात और आपके बारे में उन्हें बताती हूँ तो वो बहुत एहसास करता है। उनकी फार्मेसीज है और वो कह रहा था कि वो जल्द ही मेडिसिन की फैक्ट्रीज भी लगाने वाला है। वो मामा, वो मुझे प्रपोज कर रहा है। अरे ये क्या कह रही है तू? इसका कोई तरीका होता है बेटा? क्या उसने अपने खानदान वालों को ये बात बताई है? क्या तू उनसे कभी मिली है? नहीं मामा, वो कह रहा था कि एक दफा हम आप समझ गए हैं ना, तो फिर वो खुलकर हमारी मदद कर सकेगा और फिर घर वालों को भी बताएगा। बस बस, रहने दे, मदद करेगा। अब तू मुझे कोई नया दुख ना दे देना। खबरदार, जो तूने ऐसी कोई हरकत की तो। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तेरा बाहर आना जाना बंद कर दूँ। हाँ हाँ, मम्मा ने पैसे दे दिए हैं, बस यार मेरा नाम फाइनल कर दो, मैं सुबह ही सामान लेके आ जाऊँगा, बस यार जल्दी से डन करवा दो। कह रही है कि तुम्हारे घर वालों को इस बात की खबर होनी चाहिए और दुरुस्त तरीका इख्तियार करना चाहिए। तुम अपने घर वालों से बात करो ना और उन्हें बोलो कि यहाँ आकर मामा से बात करें। तुम समझती नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मामा अब काम ना करे। एक दफ़ा हम एक हो जाएं तो मैं फ़ौरन तुम्हारी मदद करना शुरू कर दूँगा और
तुम्हारी पढ़ाई के भी अखराजात मैं दूंगा, बस तुम आ जाओ। लेकिन ये मैं कैसे करूं? मामा ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने का सोचा भी तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। अरे बाबा कुछ नहीं होता, पहले पहले माँ बाप ऐसे ही कहते हैं और फिर रिश्तों को कबूल कर लेते हैं, और फिर जब मैं मदद करना शुरू करूँगा तो देखना वो अपने सारे गम भूल जाएगी और मुझ में ही अपने बेटे देखेंगे और तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं, मैं मामा को धोखा नहीं दे सकती, और फिर ईशान भाई भी तो जा रहे हैं, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी। हाँ मैं ये बता दूँ कि ईशान को काफ़ी वक्त लगेगा, फिर जाकर उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। एक और बात, मेरे घर वालों के पीछे बहुत अमीर फैमिलीज पड़ी हुई हैं, अगर उन्होंने किसी से बात कर ली तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी तुम खुद ही सोच लो, सुबह यूनिवर्सिटी आओ तो मुझे बता देना, आना हो तो बेशक साथ कुछ मत लाना। बाय। गुड मॉर्निंग। मामा। हाँ बेटा, हो गई तैयारी सारी? मामा सच कहूँ, जी नहीं चाह रहा कि जाऊँ, दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत खौफ आ रहा है, पर ये सोचकर कि इस उम्र में आपको आराम और मुझे काम करना चाहिए, जा रहा हूँ, बस मुझे अपनी दुआओं से रुख्सत करो, मैं जल्द रब्ता करूँगा। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। भाई आप जा रहे हैं? जी। मामा मैं भी आधे रास्ते तक भाई के साथ चली जाऊँ? हाँ चली जाओ, लेकिन वो ये दो बैग क्यों? वो मामा वो आज मेरी प्रेजेंटेशन है तो उसकी चीजें हैं। अच्छा हेलो फौजिया, शगुफ्ता बात कर रही हूँ। वो बेटे की कोई खबर आई? नहीं तो
क्या आपके जिशान से बात हुई? नहीं, मेरा भी कोई रابطہ नहीं हुआ। बस क्या करें एजेंट का, और जो सब उसके साथ थे उन सब के फोन बंद जा रहे हैं। मैंने तुमसे वादा किया है ना, जैसे ही कोई इत्तला मिलती है मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा खैर करे। खुदा करे आज बात हो जाए। हाय, आज भी फोन बंद है, क्या करूं? सोचती हूँ, पूछते पूछते खुद ही चली जाऊं। ज़ीशान, हेलो मामा, मैं हूँ अमरीन। अमरीन, हाय मेरी बच्ची, हाय कैसी है तू? अमरीन मामा जल्दी से मेरी बात सुनो। मामा मुझे माफ कर दो, काश मैंने आपकी बात मानी होती। मामा हो सकता है कि मैं फिर कॉल नहीं कर सकूंगी, बस यही समझो कि मैं जहां पे भी हूं ठीक हूं। हेलो अमरीन, अम्मा जी हम अंदर आ सकते हैं? कौन हो तुम? तौबा तौबा, अम्मा आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों, क्या बात है? खैरियत तो है? अरे बस बस माँ जी, पहले हमें अंदर तो आने दो, फिर बैठकर बात कर लेते हैं। Thank you.
हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अम्मा जी आप बैठो तो सही, आपको बताते हैं। अम्मा जी आप इस घर में अकेली रहती हैं, हम ये चाहते हैं ये जगह हमें दे दो, हम इसमें एक खूबसूरत प्लाजा तमीर करना चाहते हैं। नहीं नहीं मैं क्यों तुम्हें दूं? अम्मा जी मेरी पूरी बात तो सुने, हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत अपार्टमेंट बना के दे देंगे। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं यही ठीक और खुश हूँ। चलो निकलो यहाँ से, चलो। ठहरो यार, तुम्हें तो बात करना नहीं आती, मैं अम्मा को समझाता हूँ। अम्मा ऐसा करें, आपको एक अच्छे से ओल्ड होम में एक कमरा ले देते हैं, बस बाकी की ज़िंदगी हमारी जिम्मेदारी, आपकी हिफाजत भी की जाएगी और आपकी खातिरदारी भी की जाएगी, बस आप मान जाएं। अरे तुम लोगों की समझ में नहीं आता, मैंने कह दिया है मुझे ये जगह नहीं देनी, इससे मेरी यादें वाबस्ता हैं, ये मेरे अपनों का है। चलो उठो निकलो यहाँ से। अरे बस बस ठहरो, मैं समझाता हूँ, देखता हूँ ये बुढ़िया कैसे नहीं मानती। नहीं ऐसा नहीं करो, बैठ कर बात करते हैं, बैठ जाओ। सुनो माँ बहुत हो गया, ये जगह तो हमें चाहिए ही चाहिए, सारी दुनिया भी अगर आपके साथ हो ना तो आप वहां बाहर बैठी होगी और ये जगह और यहाँ की सारी चीजें हमारी होंगी। चल हट, बड़ा आया धमकियां देने वाला। अरे पूरी दुनिया क्या, मेरे साथ तो दुनिया वाला है, तुम दोनों और खास तौर पे तुम। कान खोल के सुन लो, ये जगह तुम्हें मिलने वाली नहीं, इस तरफ का रुख ना करना वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा तो ये बात है, चलो चलते हैं यार, हम आते हैं थोड़ी देर बाद, चलो। अच्छा तो ये दास्तान थी, इसीलिए आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे। वैसे आप हैं बहुत हिम्मत वाली, क्या बात है, उन आदमियों को तो अच्छा सबक सिखाया, याद करेंगे। वो आंटी जी दरअसल हमारा एक ग्रुप है, वैसे तो हम हर एक की मदद करते हैं लेकिन खास तौर पर उन बुजुर्गों की मदद करते हैं जो अकेले होते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके पास आ जाए करें, हम आपकी खलूस दिल से खिदमत करेंगे, हम आपकी हर चीज का ख्याल रखेंगे, घर का सारा सामान लाना भी हमारी जिम्मेदारी होगा, बस प्लीज ना कर। नहीं बच्चों, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है, तुम लोग बहुत नेक हो, तुम्हारे माँ बाप बड़े अजीम हैं, तुम लोग उनका सर फखर से बुलंद कर रहे हो, अभी से ही नेकियां कमा रहे हो, खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे। तुम लोग तो जैसे मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। अरे वाह, अम्मा कहूँ या आंटी? खैर आंटी जी कहीं आपको कुछ ज्यादा ही बच्चे नहीं मिल गए? अच्छा हम आपको अपने फोन नंबर दे देते हैं, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो आपने हम में से किसी को भी कॉल करनी है, बस फिर आपका काम खत्म और हमारा शुरू हो जाएगा, आप बेफिक्र और बेगम हो।
मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। यू आंटी जी? हाँ बेटा, वो मैं सोच रही थी कि तुम सब यहीं ठहर जाते। नहीं, चलो उठो, जाओ जाओ। हो जाएगा, पहले तो हमने सोचा भी नहीं था। काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो।